दोस्तों अभी अभी आया मेरे गाड़ियों के पास में, और ये अपनी महिंद्रा जीतो जो कल भर के रखा था इसे ही खाली करने जाना है अभी। और यहाँ पर है सुप्रो, और सुप्रो की जगह यहाँ पर है, यहाँ पे लगी हुई एक बुलोरो। तो ये बुलोरो के बाजू में जो गैप है यहाँ पे लगाना मुझे सुप्रो यहाँ से हटा के, और ये गाड़ी जो है अनलोड करने जाना है। तो दोस्तों सुप्रो को लगाते हैं सुप्रो की जगह पे, क्योंकि आज संडे है, मार्केट बंद है। महबूब भाई, सोहेल भाई, वसीम भाई कोई भी नहीं है, अभी अकेला हूँ। और वो गाड़ी खाली करके जो है खाली करने जा रहा हूँ मैं भी, जीतो गाड़ी लेके। तो अभी लगाते हैं उसको यहाँ पे अपनी बुलोरो के बाजू में। लग गई सुप्रो की जगह पे सुप्रो, यहाँ पे थी, यहाँ से हटा के जहाँ पे लगाना था लगा दिया मैं बुलोरो के बाजू में। अभी हो गई सुप्रो की पार्किंग, अभी सुप्रो का टेंशन नहीं है, अभी जाएंगे जीतो अनलोड करने। जीतो जो कल लोड करके रखा था यही अनलोड करने जाएंगे अभी। सबसे पहले जो है गाड़ी को न्यूट्रल करना चाहिए, क्लच पकड़ेंगे गियर में, न्यूट्रल हो गई। डीजल भी देखिए इसमें 4 पॉइंट है, टाइम बज रहा अभी 2:11, और गाड़ी चली है 86,527 किलोमीटर। तो अभी देखिए कैसा चालू होती है, कैसा एकदम अभी भी नए इंजन के सर का स्टार्टिंग है इसकी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शेख गौस। दोस्तों अभी मैं लेके जा रहा हूँ जीतो जीतो अनलोड करने के लिए, और आज संडे है, वसीम भाई भी नहीं है, और महबूब भाई भी नहीं है, सोहेल भाई भी नहीं है, मैं अकेला ही जो है जीतो लेके जा रहा हूँ जो कल लोड करके रखा था। तो अभी हूँ मैं जीतो में, अभी स्टार्ट किया गाड़ी, जो गिलास वगैरह साफ़ करेंगे। दोस्तों गिलास की हालत ये रोड पे रखे बाद जो है धूल बहुत बढ़ती गिलास पे, गिलास साफ कर लिए। और यहाँ पे जो वसीम भाई के हाथ से जो उखड़ गया था यहाँ पे देखिए फिटिंग कर लिए, बोल्ट डाल के यहाँ पे जो निकला था ये लगा दिए। गाड़ी स्टार्ट है तो अभी निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अभी देखिए गाड़ी मेरी 86,527 किलोमीटर चली है। कभी कभी जो ऐसा किलोमीटर बंद होता है, अभी चालू है या बंद है वो भी देखेंगे ज़रा। हाँ अभी अभी जो है इसका किलोमीटर काटा चालू है, तो अभी मैं करता हूँ उसकी रीडिंग ज़ीरो, देखेंगे आज कितना चलती गाड़ी शाम तक, क्योंकि आज मेरे को बहुत घूमना रहता है। हो गया ज़ीरो, जीरो कर देंगे ज़ीरो। तो देखिए अभी रीडिंग ज़ीरो कर दिया मैं, देखेंगे आज शाम तक कितना चलती है गाड़ी। और ये जो ऑर्डर पहुँचाना है मुझे, पहुँचाना है 30 किलोमीटर के ऊपर जाना है अभी, तो देखेंगे। अभी निकल गया मैं, अभी निकला, अभी देखिए दोपहर के बज रहे हैं 2 और ट्रैफिक। दोस्तों ये तो हमारा रोज़ का काम है ट्रैफिक में घूमना, और रोज़ का कम से कम 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जो हमारा गाड़ियाँ ट्रैफिक में घूमते हैं, जीतो या सुप्रो, ट्रैफिक हमारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ रोड पे कितनी ट्रैफिक है हैदराबाद सिटी में। दोपहर का 2 भी बज रहे हैं और रात के 12 भी बज रहे हैं, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया अभी हैदराबाद सिटी में। तो देखेंगे, देखते रहिए आप भी क्या क्या होता है हैदराबाद सिटी में, मैं तो आपको बताते रह रहा हूँ। और अच्छा तो मैं हर जगह घूमते रहता हूँ, जहाँ जहाँ मैं घूम रहा हूँ आपको सब बता रहा हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, ये 35 किलोमीटर का ऑर्डर है, तो 35 किलोमीटर दूर जाके अनलोड करना है। तो अभी आया मैं 5 किलोमीटर, देखिए अभी कितने किलोमीटर है। और ये देखिए 5 किलोमीटर 1 पॉइंट और 2:36 हो रहे, अभी वो मैं सिग्नल पे ट्रैफिक में खड़ा हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी यहाँ पे सिग्नल है। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से बहुत जल्द एक ब्रिज गिरेगा, यहाँ पे जो है ब्रिज गिरने के बाद जो है सीधा सीधा ब्रिज पे से सीधा जाने वाले जो ब्रिज पे से जाएंगे, और नीचे से जाने वाले जो लेफ्ट हैंड लेके जाने वाले वो लेफ्ट हैंड लेके जाएंगे। मगर गिरेगा यहाँ पर भी ब्रिज, क्योंकि हर जगह गिर गया, यहीं पर एक बचा है, यहाँ पर भी गिरेगा। अभी खुला सिग्नल, निकलते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये है बाईपास की सर्विस रोड, और ये सर्विस रोड पे जो स्पीड ब्रेकर डाले ये बहुत अच्छा काम करे, क्योंकि सर्विस रोड पे जो है गाड़ियाँ बहुत फास्ट जाते हैं। हमारा चढ़ने का टोल प्लाजा जो है आगे से है अभी 1.5 किलोमीटर, और गाड़ी चली है अभी 14 किलोमीटर 6 पॉइंट। तो अभी देखिए यहाँ से चढ़ता हूँ मैं बाईपास, इसको भी जो है फास्टैग लगे हुआ है। लो अभी खुला, तो अभी चढ़ेंगे हम 4 लेन बाईपास। और यहाँ पे जो है दोस्तों गाड़ी टाप पे टाप जाती है, किसी चीज़ का झंझट नहीं है, बाइक वाले नहीं, ऑटो वाले नहीं, सिर्फ 4 व्हीलर। आँखा बंद करके जाओ, इधर भी जाओ, कोई भी लाके ठोक देता, कोई बोलने वाला नहीं है, ऐसी रोड है 4 लेन, इधर जाओ, इधर जाना उधर।
कुछ रोक टोक नहीं है, सिर्फ अपने को एहतियात करके चलाना है। ज़रा इधर उधर देख लिए तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियों की स्पीड बहुत फास्ट है, इसीलिए ये बात बताया हमें। तो यहाँ पे फोर लेन हाईवे पे जो है बहुत हिसाब से जाना होता, बहुत देख समझ के। इधर देखा था कि इधर गाड़ी 160 की स्पीड से निकल जाती, तो ये फोर लेन बाईपास ऐसा है, बहुत फास्ट है गाड़ियों का, तो हिसाब से जाना चाहिए। इस रोड पर नज़र रोड पर रख के साइड गिलासों को देखते हुए अभी हूँ मैं फोर लेन बाईपास पे, अभी उतरेंगे वही कुल्लू टोल गेट पे जाते हैं उतरी। ठीक है दोस्तों, इतना बड़ा ट्राला बगैर आवाज़ के बगैर आराम के साइड मार के निकल गया हूँ मैं, सामने देख रहा हूँ इधर से आ गया हूँ। और अभी गाड़ी चली है 19 किलोमीटर और गाड़ी जा रही है हमारी 57 किलोमीटर की स्पीड से। जीतो गाड़ी की स्पीड वही है 60 की स्पीड जाती, ज़्यादा नहीं जाती। साइड मार के चले गए, जीतो गाड़ी 55-60 की स्पीड जा रही है, अभी देखे चले जाती 70-80 जाती। टाटा गाड़ी 80 की स्पीड है उसकी, हमारी जीतो की जो है 55-60, उससे ज़्यादा तो जाने वाली नहीं। फिर भी सुपरो गाड़ी रही तो उस गाड़ी को मैं ओवरटेक कर ले सकता था, छोटी मोटी गाड़ी है, बड़ी रोड पर ला ली हम। तो देखिए दोस्तों, सामने उतार और मैं गाड़ी की स्पीड पूरी पकड़ के रखा हूँ, लाश है स्पीड जा रही और गाड़ी चली अपनी 22 किलोमीटर। अभी यहाँ से मेरे को जाना है और 8-10 किलोमीटर कुल्लूर तेल्लापुर जाती है रोड, तो अभी वहाँ को जाना है कुल्लूर। तो अभी उतरा मैं अपनी बाईपास से नीचे, जहाँ से चढ़ा था वहाँ पे स्कैनर हो गया मेरा फास्टैग, और यहाँ पे अभी उस हिसाब से पैसे कटेंगे मेरे, वहाँ से यहाँ तक कितना होता है उस हिसाब से पैसे कटेंगे। अभी तो अभी आ गए हम, देखिए फास्टैग हम इधर से सर्विस रोड से, तो दोस्तों अभी पहुँचा मैं घाटे के पास, यहाँ पे ज़रा घाटा करा लेंगे, यहाँ पे है घाटा, देखेंगे कितने कुंटल माल है इसमें। ये लग गई गाड़ी घाटे पे, ये देखिए दोस्तों लोड वही जाली लेवल लोड है, और ये जो है वेट वाला लकड़ी है, इसका थोड़ा वेट ज़्यादा आता है अभी। ये देखिए जाली लेवल लोड है, कितना माल है देखेंगे, गाड़ी तो लग गई कांटे पे। जो है गड़बड़ हो गए भाई, क्योंकि कांटे पे लाइट नहीं है, कहते सुबह आता कहते लाइट, सुबह तक खड़ो कर रहे हो, सुबह तक खड़ना थोड़ी, दूसरे कांटे पर जाना पड़ता, कांटा कराना ज़रूरी है, कांटा करे तो ही मालूम होता मेरे को कितना पैसा बचने वाला है, और मिल वाले का लकड़ी जो लाया उनका कितना लकड़ी है ऐसा पता चलेगा, कांटा करना ज़रूरी है। तो अभी जाओ बोल रहे हो दूसरे तरफ, तो एक जगह का एड्रेस दिए वहीं जा रहा हूँ अभी मैं, आया था ये वाले कांटे के भरोसे पे, तो देखिए तो यहाँ पे लाइट नहीं है बोल रहे हो, तो अभी जाना पड़ रहा दूसरा तरफ। रास्ते से मैं 6-7 कांटे छोड़ गया, अभी जा रहा हूँ फिर लाऊ 5-6 किलोमीटर और आगे कांटा कराने के लिए, तो क्या कर सकते अभी जाएंगे उधर ही। ये देखिए जरी सी गलती नहीं, भरोसे की लग गई वाट, भरोसे पे आया वहाँ मिलेगा, वहाँ होगा कांटा गाड़ी बोल के, काटा हुआ करेट नहीं है कहते, अब तोड़ लेते फिर ना पड़ रहा। एड्रेस दिया यहाँ का, एड्रेस पे भी नहीं मिल रहा, किधर हो सकता। तो अभी देखिए अभी कितना दूर जाना पड़ता है कि कहाँ पे मिलता है कि काटा। तो दोस्तों रास्ते में मिल गए हमारे बिग बॉस, जरा बिग बॉस से भी मिलेंगे, उन्होंने भी लकड़ी भर के आए इधर। काटा बंद है वो, हाँ यहाँ काटा है इसलिए इधर आया, नहीं अब हमेशा खुला रहता, भरोसे पे निकले, भरोसे की लग गई वाट, भरोसे पे निकले, भरोसे की लग गई वाट, बोल रहा करंट नहीं है कहते उसके पास, कल तक ठहरो बोल रहा, किधर नहीं बंद है वो भी देखा, वहाँ नहीं मिला, वहाँ पे नहीं नहीं मिला वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बिग बॉस, इन्हों भी कस्टमर के लिए खड़े हैं, इन्हों भी लकड़ी लेके है, गाड़ी का टायर पकड़ रहा, कहते कौन सा टायर पकड़ रहा, आज गर्म नहीं कर रहा, कहाँ पकड़ ठंडा, हाँ गर्म है जी, अरे गर्म है,
बहुत गर्म है वो, बेरिंग गया क्या? टायर भी सीधा दिख रहा। ये ठंडा है वो गर्म है। तो पप्पा गाड़ी का वो लेफ्ट साइड का टायर जाम हो रहा है शायद, हार्ड जा रही बोल रहे गाड़ी। बेरिंग गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ गर्म है ये, गर्म हो रहा। तो ये हमारे पप्पा की गाड़ी बिग बॉस की, इन्हों भी मिल गया रास्ते में। तो दोस्तों बॉस निकल गए हमारे, उन्होंने गाड़ी जो है काटा करा लेके आए, हम नहीं कराए, मामा को वहाँ पे एड्रेस दिया, वहाँ जा रहे हैं। जो मिले थे वो पप्पा है, उस्ताद है हमारे, उनसे तो हम काम सीखे, सीखे जो है कर रहे हैं अब। तो अभी देखिए उन्होंने बताया यहाँ पे काटा है, तो वहीं जा रहा हूँ। काटा मुझे यहाँ पर, इन्हों भी खुल जाएगी बंद है कि इन्हों बंद है तो अभी और खोपड़ी गर्म हो जाती है हमारी, क्योंकि पहले फिर के आया मैं, आए नहीं है नहीं मालूम। अब गाड़ी तो लगा दी हूँ कांटे पे। ₹50 ना निकला स्लिप काटेगा, दो रंडू स्लिप। हाँ एम्प्टी ले वो। तो भैया हो गई हमारी गाड़ी काटा, और वेट जो आया 8 क्विंटल 80 किलो, तो 880 रुपया मेरा बचने का है, 880 रुपया बचने का है। तो हम देखिए काटा करके निकल गया मैं, और गाड़ी देखिए 37 किलोमीटर चली है, और टाइम बज रहा अभी 3:41। अब यहाँ से कस्टमर मेरा जहाँ से मैं आया था वहीं जाना है, 5-6 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर, तो जाते हैं उधर ही अभी। तो अभी पहुंचा मैं लेबर कैंप में, और यहाँ पे देखिए रास्ता माशाल्लाह, ये रास्ते को जो है इंजन बचा के चलाना रहता बहुत। तो दोस्तों अभी लगी गाड़ी सही जगह पे, पहले लगाया था जो ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर रहने की वजह से जो है गाड़ी घुमा के लाना पड़ा, तो इनका जो मेस है यहाँ पर है। तो अभी गाड़ी तो लग गई भाई अनलोडिंग के लिए, आदमी लाने के लिए। तो जब तक हम बैठेंगे गाड़ी में और गाड़ी खाली करके निकलेंगे यहाँ से। और आप देखिए मैं गया था भरोसे पे कांटे पे, वो कांटा बंद था, फिर घूम के घर के आना पड़ा। तो अभी लगी गाड़ी अनलोडिंग को, तो भाई आए थे आदमी लाने के लिए गए, फटाफट अनलोड करेंगे निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि बहुत देर हो गया। अभी बज रहे 4:30, वहाँ से निकला था मैं 2 बजे, तो 2.5 घंटे हो गया। जो लकड़ी आया 8 क्विंटल 80 किलो, 8 क्विंटल 80 किलो में 880 रुपया बचने वाला है मेरा, और यहीं देखिए कितना घुमाना पड़ रहा गाड़ी। तो बहरहाल जो भी है उनका गलती तो है ना, कस्टमर का गलती मेरा ही है, रास्ते से काटा करा के आना था, काटा आएंगे यहीं पे है बाजू में, वो काटे के भरोसे पे आया, उसके पास लाइट नहीं है कहते कल आओ बोल रहा। तो अभी देखिए कल आओ बोल रहा, वहाँ से आया मैं 30 किलोमीटर से, उन्होंने बोल रहा कल आओ, तो होते रहता रोड पर निकले बाद चलते रहता। तो जो भी है अभी गाड़ी पहुँच गई अनलोडिंग के लिए, गाड़ी अनलोड हो रही, तो अनलोड करते हैं निकलते हैं यहाँ से। भैया हो गई हमारी गाड़ी खाली, देखिए भाई डोर लगा रहे अभी, माल देखिए पूरा गिर गया पूरा। वो रखो निकालो जी, वो चेन रखो निकालो, चलो लगा दिए, चलो टेंशन नहीं है, नीचे वाला डोर भी लग गया, ऊपर वाला डोर भी लग गया। तो अभी क्या भाई से हिसाब किताब करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। कहाँ भाई कहाँ है, बिल देना है उनको। भैया अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, अभी हुआ हिसाब किताब, अभी देखिए टाइम कितना हो रहा दोस्तों, टाइम 5:06 हो रहे हैं, गाड़ी चली है 43 किलोमीटर, और अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, और 3 पॉइंट डीजल गैस में, और गाड़ी भी पूरा खाली हो गया, कितना लेट हो गया, सुबह निकला था 2:30। अभी दो कारण भी है, सामने डाल के रखे फ्लाई, और फ्लाई है तो उसको ये बड़े बड़े कीले है, टायरा भी मेरे हाथ को आ गए, सो कभी भी कुछ भी हो सकता टायरा को। देखो आज संडे है, पूरी पब्लिक जो है अपने अपने घरों पर है, जिन्होंने कहाँ जा रहे कि बकेट पकड़ ले गया। हटो बॉस। दोस्तों देख सकते हैं आप मैं कैसे कच्चे पक्के रास्तों पे आता हूँ गाड़ी लेके, अभी ला महिंद्रा जी, तो अभी बहुत जगह खराब खराब रास्तों पे जाता हूँ,
तो आप देखते रहिए मेरे हर वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो मैं इसी तरह के वीडियो देते रहूँगा। अभी तो रास्ता ठीक है, बरसात में तो बहुत ख़राब रास्ता होता है भाई। गाड़ियों की क्लच पेड हर बरसात में साल में एक बार क्लच पेड डालना ही डालना है गाड़ी। तो दोस्तों वहाँ से गाड़ी खाली करके जो है सीधा आया मैं कस्टमर के पास में। तो अभी देखिए रात का टाइम है, मैं बताता हूँ इसमें की लाइटिंग, जरा इरफान में लाइट डालो अंदर की। ओफ क्या दिख रहा है इरफान भाई, इधर देखो, इधर देखो सर। तो दोस्तों इरफान भाई मिले थे इसलिए लेट हो गया। जो है खाली करके खाना वाना खा के यहाँ कस्टमर के पास है पैसा लेने के लिए, तो यहाँ से ले लिए पैसा और मेरे को मिले इरफान भाई। तो इरफान भाई को साथ में लेके आया मैं, उन्होंने फ़ोन में परेशान है क्या किच कर ले रहे फ़ोन में, क्रिकेट देख रहे हूँ। तो देखिए लाइटिंग, लाइटिंग बता तो बोला था ना मैं, लाइटिंग बता रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये दिल में दो लाइटा है और यहाँ पर एक लाइट है, इधर साइड भी दो है, यहाँ पे दो है। देखिए दोस्तों अंदर की रोशनी एकदम चकाचक बेहतरीन। जरा ब्रेक मारो इरफान भाई, पीछे पे एक लाइट लगाए ना, ब्रेक हेडलाइट डालो, हेडलाइट। ये देखिए इसमें एक लाइट लगाए। तो गाड़ी की लाइटिंग कुछ इस तरह से हुई। तो दोस्तों देखिए लाइटिंग बेहतरीन लाइटिंग हुई और पीछे भी जो एक ज़बरदस्त लाइट लगा है वसीम भाई, मेरे को बहुत अच्छा दिखा। और अभी देखिए गाड़ी कितना चली बताता हूँ मैं आपको। तो अभी देखिए मैं डीजल भी डला लिया गाड़ी में, डीजल भी हो गया था और गाड़ी चली है 71 किलोमीटर 7 पॉइंट, और अभी बज रहे हैं 8:30, 8:30, 71 किलोमीटर गाड़ी चली। दोस्तों मैं जा रहा था रिटर्न घर और ट्रैफिक देखिए और अभी टाइम देखिए 11 बजने को 2 मिनट कम है और ट्रैफिक का आलम देखिए कितना जाम है। ट्रैफिक कम से कम 2-3 किलोमीटर का जाम दिख रहा और गाड़ी देखिए 96.6 किलोमीटर 6 पॉइंट गाड़ी चली है और ट्रैफिक जाम है। तो अभी जा रहा हूँ धीरे धीरे घर को कहते देखेंगे क्या टाइम होता। दोस्तों अभी देखिए टाइम 10:18 और ट्रैफिक में से अभी निकला मैं, रनिंग ट्रैफिक हुई अभी और ट्रैफिक में से निकलने मुझे लगे 23 मिनट। दोस्तों अभी पहुंचा मैं पार्किंग के पास, यहाँ पर है अपनी सुप्रो। तो दोस्तों अभी पहुंचा मैं पार्किंग के पास में, गाड़ी को लगा दिया अभी। तो अभी बताता हूँ मैं आपको आज कितना फिरा और गाड़ी कितना किलोमीटर चली। तो ये देखिए दोस्तों गाड़ी कितना चली, 103 किलोमीटर गाड़ी चली और 11:37 और गाड़ी में जो है एक प्रॉब्लम आ रहा, ये देखिए इंजन लाइट आ रहा है इसका, इंजन लाइट चालू हुआ। ये क्यों चालू हुआ है कि ये मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम कभी आता कभी जाता खुद ब खुद, ये प्रॉब्लम को लेके जो है मैकेनिक को अभी तक नहीं बताया कि इंजन लाइट आती है इसमें। ये इंजन लाइट देखिए ना आपको मैं बता रहा हूँ, सुबह से इंजन लाइट नहीं थी और अभी देखिए 1 किलोमीटर पहले इसकी इंजन लाइट चालू हो गई और ये खुद ब खुद चले जाती है, इसका मैं टेंशन नहीं लेता और गाड़ी चलने करने में अच्छी है। तो अभी बंद कर दिया। जैसे कि दोस्तों देखें आप, सुबह से मैं कहाँ कहाँ घूमा और जो लकड़ी थी अनलोड करा, अनलोड करके जो है आ गया मैं पार्किंग के पास में। और आज संडे था और जीतो गाड़ी लेके गया था। तो दोस्तों आज का काम ये ऐसा हुआ हमारा और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आपको जो गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। और आपका कोई अगर सवाल है कोई भी गाड़ी को लेके, अगर सुप्रो को, जीतो को, अशोक लेलैंड को, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।